मेरा आवाज़ नहीं आएगा, मुझे मुंह बंद रखने को बोला है पति ने, लेकिन हम बनाएंगे। चलो 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 चलो। ये है अम्बट वड़ा, जो मटकी होती है ना स्प्राउट्स, उसके बनते हैं। इस कटोरी में हम ये अम्बट वड़ा पहले इस कटोरी में डालेंगे, फिर इस कटोरी में ट्रांसफ़र करेंगे। देखा, वन मोर कटोरी विल बी रिक्वायर्ड। बहुत खाने वाली हूँ। यस, दो कटोरी अम्बट वड़ा। चलो, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और इसको रख देंगे बगल में भाई। अब इसमें सामग्री जाएगी, टमेटो बारीक कटे हुए, प्याज बारीक कटा हुआ, मिर्ची बारीक कटी हुई, कड़ी पत्ता जो कि वैसे के वैसा ही है हमने। अरे मसाले को देखो, मैंने कितने प्यार से रखा है। ठीक है, तो ये सारे मसाले लगेंगे, बट आई थिंक हम इसे ज़रा सीक्वेंस में लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जाएंगे। उफो, जाने दो। सो ये आयरन की कढ़ाई है जो कि मेरी फ्रेंड नाजिया ने खरीद के दी थी। इसको पानी थोड़ा जाने देते हैं, उड़ने देते हैं। नाजिया, ये क्या दिया तूने? हाँ, उड़ गया है। ओके, तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये मैंने क्यूट सा कंटेनर डीमार्ट से ख़रीदा, अच्छा है ना? इतना होगा क्या? नहीं, थोड़ा लगेगा भाई, लगेगा, ऑयल तो लगेगा। अब वही इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म होने का समय काफ़ी लंबा होता है क्योंकि मैं सिम पे रखती हूँ, तब तक मुझे एकदम प्रोडक्टिव ख्याल आते हैं। Now what to do? Time pass. नाश्ते रहूँगी, गर्म हो गया, चल चल। ये सॉफ्ट हो रहे हैं, तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे एज पर द सीक्वेंस राई। वाह वाह, पुट हो रही है ये। इसके बाद जीरा, राई के बाद भी वैल्यू जीरा। दूर से देखो भाई इन लोगों को। हाँ, ये मिर्ची भी जाएगी, अकेली है, चली जाएगी। डालो ना, डाल देती हूँ, छोड़ो। अबे हाँ, डाल दी, चल गई। सही, अभी से रखो, इसको भी तड़कने दो इन लोगों के साथ। वेरी लेंदी प्रोसेस। अब हमने एक जो अनियन जूलियंस में काटा था, इसको हम अच्छे से ऐड करके सॉटे करते हैं। इसको टाइम लगेगा भाई, इसको भी टाइम लगेगा। होने देते हैं ऐसे। क्यों मैंने अपना मुंह बंद रखा ये बनाते समय? शाह, कैसी पड़ी हुई है मिर्ची, जैसे कि बस कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। अब इसमें हमने ऐड किए हैं बारीक कटी हुई मिर्च, हरी मिर्च विद लाल मिर्च, देन कड़ी पत्ता। इसको भी सॉटे करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में सब कड़ी पत्ता ऐड करते हैं। अरे, जो चीज़ मिलती है जहाँ, वो ऐड तो करना ही पड़ेगा। अब जहाँ नहीं मिलती, वहाँ के लोग कैसे ऐड करेंगे, राइट? तो महाराष्ट्र में सब चीज़ें मिलती है। हाँ, नमक ऐड करते हैं। अब ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट एक टीस्पून का हाफ मैंने ऐड किया है। कैमरा में ज़्यादा लग रहा होगा, बट वी नीड टू ऐड दिस मच। लेटर जब हम इसमें अम्बट वड़ा का जो मिक्सचर है डालेंगे, जिसमें हमने पानी डाला था, इसको 2 मिनट के लिए रख दो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अम्बट वड़ा, उस वक्त भी हमें नमक डालना पड़ेगा। या ऐसी अच्छी लग रही मैं। क्या हाँ, सब ठीक है, बाल बांध के रखने चाहिए ना सोनल। अरे 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 अरे
ये छींक वीक जो आती है ना वो सबको आती है, लेकिन कोई दिखाता नहीं है, मैं दिखा रही हूँ। क्या इतनी ओवर एक्टिंग? आओ जुए। नहीं नहीं भाई, फिर से इंतजार और सही। ये मिर्ची बेचारी कब से, अब इसमें टमेटो गया। यू कैन ऐड टू स्मॉल टमेटोज और वन बिग टमेटो, क्योंकि बाद में जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा ना, ये ऐसे 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 अलग अलग दिखेंगे बढ़िया ऐसे तैरते हुए, तो रेड कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है। सॉटे, फिर से सॉटे। कितनी बार देखा हूँ इन्होंने, बस ऐड कर दिए मैंने टमेटोज। ठीक है, नाउ वी विल ऐड मसालास। ओके, तो ये तिखट, मुझे तिखट बहुत पसंद है, तो आई थिंक आई विल ऐड 3 टीस्पून। अरे नहीं, ये की नहीं धोई अभी। कोरिएंडर पाउडर, मेरा फेवरेट कोरिएंडर पाउडर। और ये जो आंटी ने दिया था ना मसाला, अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे, दिस इज़ गरम मसाला, होममेड। लेट्स ऐड एवरीथिंग, सौते करो। बेसिक है ये, बेसिक है। अरे ये मिर्ची को जगह नहीं मिल रही है, ये सब लोग आई थिंक उसे अपना नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये ना अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है, तो ये हल्का सा दरदरा भी लगना चाहिए जब हम पूरा तरीके से बन जाएगा, और हल्का सा सॉफ्ट भी होना चाहिए। तो ये टेक्सचर होता है आंबट वड़ा का। आंबट वड़ा इज़ अ महाराष्ट्रियन डिश जो कि मेनली विदर्भ में फेमस है। विदर्भ के लोग खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। आई एम फ्रॉम विदर्भ। या तो वी विल ऐड दिस मिक्सचर टू कढ़ाई, एंड इसमें मैंने हल्दी ऐड नहीं की है क्योंकि आई डोंट लाइक हल्दी। जो हल्दी का कलर आता है ना वो येलो येलो, आई डोंट लाइक इट। तो सॉटे करते हैं इसे और अच्छे से मिला लो। आपको ये लग रहा होगा कि क्या ही बन गया है भाई ये, है ना, बट इसमें हमको और एक चीज़ ऐड करनी है, वो हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद करते हैं, जो कि है पानी। एक ग्लास पानी जाएगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा ना कच्चा रहता है, तो इसको अच्छे से, जैसे कि बेसन को हम जब पिठला बनाते हैं ना, पिठला इट्स लिक्विड फॉर्म ऑफ बेसन, तो उसमें हम पानी ऐड करते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी ऐड करना है, ताकि ये थोड़ा दाल जैसा हो जाए। बट दिस इज़ आंबट, आंबट इज़ नथिंग बट खट्टा। वी विल ऐड 1/2 टीस्पून ऑफ नमक। पहले हमने हाफ किया था, अभी हमने हाफ ऐड किया है, तो अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, और इसको हाई आंच पे, जो बर्नर है उसकी जो आंच है उसको हम हाई पे रख के इसको उबालेंगे, जिससे बुड़बुड़ बुड़बुड़ ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे उछलना चाहिए पानी, उस तरीके से बढ़िया इसको उबालेंगे हम फॉर 3 मिनट्स। मैं बोलती 3 मिनट्स हूँ और 3 मिनट्स के हिसाब से ही मैंने टाइमर लगाया था, और उसके हिसाब से आप जैसे देख पा रहे हैं ये बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर रहे हैं ना, वाओ, मतलब ये पक चुका है। बट इतना थिकनेस इज़ नॉट सफिशेंट, हमको और थोड़ा इसको थिन करना पड़ेगा, तो हम इसमें और पानी ऐड करने वाले हैं। यस, अब इसमें पानी हम ऐड करते हैं। पहले हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर डाला था, अभी फुल ग्लास ऑफ वाटर डाला था, अभी हम 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द राइट वर्ड, या तो ऐसा होना चाहिए या आंबट वड़ा। ओके, देखो 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 कैसे गिर रहा है, बढ़िया। और ये बेचारी मिर्ची, हटाओ यार मुझे, ऐसे बोल रही है। बाकी सबको स्पेस चाहिए इस मिर्ची से। बहुत पंचड़ हो गया, बहुत पंचड़ हो गया। ओ माय गॉड,
हाँ नाइट सूट कितना क्यूट लग रहा है मुझ पे। हाँ सोनल आई नो, खाने के बारे में सोच सोच के कितनी खुश होती हूँ ना मैं, स्पेशली अकेले में खाने के बारे में सोच रही हूँ। आई थिंक शायद से यही सोच रही होंगी। ओ ओ भाई साहब, इतना कि खुद ही लगाया कैमरा जैसे कि वाह वाह दर्शक, अरे मैं तो भूल ही गई थी, वो वाला रिएक्शन दिया मैंने कि आप ही हैं मुझे देखने वाले। ओके नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 1 more teaspoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर। मुझे जब मैं ताज़ा ताज़ा पाम्बर टोडा खाऊंगी ना, तो आई लाइक दैट टेस्ट, दैट इज़ माई टेस्ट, कि आई लाइक कोरिएंडर पाउडर का टेस्ट, तो इसलिए वो ताज़ा ताज़ा रहे। तो मैं सर्व करने से पहले थोड़ा ऐड कर देती हूँ। द मुश्किल पार्ट इज़, अब हमने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, अब इसको घोलना से से बोरिंग टास्क है ये। देखो देखो देखो, कहीं कहीं जो है ना वो तैर रहा होगा, देखो यहाँ पे राइट साइड में। यस आई न्यू इट, मुझे सब दिखता है बेटा। तो ये देखो कैसे बुड़बुड़े आ रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए आम्बट वड़ा का हाल। ओके देखो, अरे हटना, हाँ तो वो तो गया ही है। अब इसमें इसको हम, हाँ आँच को बंद कर देते हैं, बर्नर ऑफ, गैस ऑफ, सब कुछ दिखाना नहीं है ज़रूरी सोनल। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर। अब ये अक्खा है, ये धनिया है, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर, ये सब मेरे, ये इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, मुझे पाउडर से मतलब है। ये तो सिर्फ ऐसे दिखावे का है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ खाते समय मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हाँ, बहुत प्यारा बन गया है, खुद की तारीफ। चलो अभी हम टेस्ट करते हैं। ये मुझे मुझे ऐसा ही खाना पसंद है, कटोरी वटोरी के लिए मेरे पास जगह नहीं है प्लेट में, इवन दो आई हैव, बट आई डोंट लाइक टू यूज़ यूटेंसिल्स, क्योंकि धोना तो खुद को ही पड़ेगा। ओके तो देखो कितना क्यूट लग रहा है ना। हाँ अब हो गया भाई। हाँ ओके चलो, खा लिया क्या मैंने इस वक्त सोनल, खा लिया क्या? अबे हाँ, अच्छा ये वी, अच्छा विक्ट्री साइन, ये कहाँ रखते हैं ना फेस पे, आज तक मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। कितने बार बाय करेगी? अरे हाँ ऑफकोर्स, मैं भूल जाती हूँ ना आपको टेस्ट कैसे, टेस्ट कैसा है बताना। तो चलो हाँ, कितने बार बोलेगी? या क्या खुशी नजर आ रही है, ग्लो देखो, ग्लो, फेक ग्लो, बढ़िया है ना। अपने हाथ का खाना ऐसा, अगर आवाज निकले ना अम्बट वड़ा खाने के बाद, तो समझ लो भाई सक्सेसफुल। वाह ये आईना, आईने में मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं ना। कुछ तो आपको एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़े से कांधे हिला लिए, पर अभी हो गया। एंजॉय, बाय।